हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया न्यू फैशन। तो आज मैं आपको सूट की स्टिचिंग करना बताऊंगी, तो वीडियो पॉइंट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हम सूट की स्टिचिंग करना। तो ये मैंने सूट को कटिंग करके रख लिया है यहाँ पे। मैं ये बिना बोकरम वाली गला की पट्टी में आपको लगा के दिखाऊंगी और सूट की पूरी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये मैंने गला का पट्टी स्टिच करने के लिए कट कर लिया है, या आप देख सकते हो ये 1.5 इंच की पट्टी आपको कट कर लेना है। और सबसे पहले तो ये पट्टी मैंने कट कर लिया है, इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए इस साइड से स्टिच लगाना है। तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। कपड़े को आपको खींचना नहीं है, लूज करके ही छोड़ना है, नहीं तो अगर आप खींचेंगे तो ये पट्टी ये कपड़ा में झोल आ जाएगा, इसलिए आपको कपड़े को इस तरीके से हल्के हाथों से रखकर उतारकर वो घुमा कर लेना है। तो ये मैंने साइड से स्टिच लगा लिया है, यहाँ से मैंने स्टिच लगा लिया है। ये मैं बिना बोकरम वाली बता रही हूँ, अगर आपको बोकरम वाली मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि बोकरम वाली गला कैसे लगाना है। तो ये मैंने साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ रखना है और ये सूट है। इस सूट के गले पे इस तरीके से आपको रख लेना है। यहां से इस तरीके से पहले करते हुए इस तरीके से करते हुए सेंटर पे एक मार्क कर लेना है। आपको सूट को भी इस तरीके से रखकर इस तरीके से सूट को भी रखकर यहाँ पे सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेना है, ज्यादा नहीं लगाना है। तो ये मेरे सेंटर है, यहाँ मैं चौक से इस तरीके से सेंटर पे निशान लगा दिया है। अब हमें सूट को इस तरीके से रखना है और हमें इस तरीके से गले की पट्टी को यहाँ बीच सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ रखना है और यहाँ से स्टिच लगाना है। तो मैं आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है, इधर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो है साइड से थोड़ा थोड़ा आपको कट लगा लेना है, आपको सिलाई पे कट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है और यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक आपको चाप सिलाई लगा लेना है। आपको यहां से चाप सिलाई लगाना है, आपको इस साइड के कपड़े पे नहीं लगाना है, आपको पट्टी पर ही चाप सिलाई लगानी है। तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ।
तो यहाँ से मैंने चाप सिलाई लगा लिया है। आपको अब इस तरीके से पलटते हुए दर तुरपाई कर लेना है। दूसरे वाले को भी मैं आपको, तो ये मेरा दूसरा पल्ला है। मैं यहाँ से दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर लिया है। दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें गला को डबल जॉइंट करना है। ये आप देख सकते हो कि मैंने दोनों गला को स्टिच कर लिया पट्टी को। अब दोनों हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। जॉइंट हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये जो खुला हुआ पट्टी है इसको इस तरीके से रख लेना है। इसको इस तरीके से रखते हुए दोनों को, ये जो पट्टी निकला हुआ दोनों को आपको इस तरीके से खोलते हुए इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपको स्टिच लगाना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो। इस तरीके से यहाँ से मैंने स्टिच लगा लिया है। अब आप इधर से देख सकते हो जब हमें इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारी ये फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसलिए हमें इसी तरीके से स्टिच लगाना है। तो इधर मैंने स्टिच लगा लिया है और दूसरी तरफ भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ भी आपको सेम उसी तरीके से रखना है। यहाँ से दोनों पट्टी को बाहर की तरफ इस तरीके से रखना है और यहाँ से दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से आपको स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से रख लेना है सूट को। अब हमारे यहाँ से फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है। यहाँ से जो मैंने मार्क किया था इसी पे हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है। तो ये अब यहाँ से मैं आपको स्टिच लगा के बता रही हूँ। चाक निकलेगी तो हम लाते हैं डूब जाएगा इस तरीके से और सेम हमें इस तरीके से घुमाते हुए एक फ्लायर और लगा लेना है। इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से एक फ्लायर में और लगा लेना है। अब यहाँ से धागा को कट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब जो हमारी चाक निकलेगी यहाँ से निकलेगी तो दूसरी तरफ भी सेम उसी तरीके से हमें कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ से दोनों पार्ट को हमें बराबर से मिलाकर इस तरीके से रखना है और यहीं से हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। इसे इस तरीके से कर लेना है और यहाँ साइड से इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से
इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से छोटा छोटा कट लगा लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है, अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है और इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें चाक निकालनी है। तो चाक हम कैसे निकालेंगे, तो हमें नीचे की तरफ या दामन की तरफ इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से इस तरीके से आपको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से करते हुए तरीके से नीचे की तरफ से इस तरीके से आपको एक फोल्ड इस तरीके से करना है और दूसरा फोल्ड यहाँ से इस तरीके से करते हुए यहाँ से स्टिच को लगा के चलना है ऊपर की तरफ। और सुई आपकी अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, तो मैंने अंदर की तरफ रखा और चाक को इस तरीके से उठाना है और इस तरह से घुमा लेना है और सेम दूसरे वाले साइड भी हमें इसी तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे इस तरीके से पलटना होता है, इस तरीके से मोड़ के और इस तरीके से करते हुए इसे चाक को गिरा देना है इस तरीके से करते हुए जाते हुए यहाँ साइड में एकदम किनारी पे यहाँ सुई को फिर से रोक देना है और चाक को उठा के इस तरीके से घुमा लेना है और घुमाते हुए फिर हमें सेम उसी तरीके से स्टिच लगाना है। इस तरीके से निकालना है, निकाल देना। तो इधर वाली चांक आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। अब दूसरी तरफ भी हमें सेम उसी तरीके से करना है, यहाँ से इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए दूसरे वाले फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ से स्टिच लगाते चलना है। घुमा लेना है कपड़े को इसी तरीके से, यहाँ पे सुई को रोक देना है इस तरीके से घुमा लेना है सेम उसी तरीके से। तो ये दोनों तरफ से मैंने, ये आप देख सकते हो कि स्टिच मैंने यहाँ से भी लगा लिया है। अब हमें नीचे से स्टिच लगाना है, साइड से मैंने कर लिया है, अब नीचे से हमें फोल्ड करना है। हमें यहाँ नीचे की तरफ से इस तरीके से मतलब उसे कट कर लेना है और इस तरीके से एक फोल्ड करना है और दूसरा फोल्ड भी इसी तरीके से हमें लगाना है।
इस तरीके से स्टिच लगाना है। इसी तरीके से घुमाते हुए हमें ये ऊपर की तरफ भी साइड से सिलाई लगा लेनी है। रुकना है और नीचे की तरफ भी हमें किसी तरीके से होते हुए इसी तरीके से बनाते हुए ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। नीचे से एक सिलाई लगा लेना है। जो धागा निकला उसे कट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो कि मैंने ये कितने अच्छे से सूट की स्टिचिंग कर ली है। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से सूट की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे जो गला है, गला में इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई करनी होती है, तो मैं वो आपको दूसरे वीडियो में तुरपाई करके बताऊंगी। और ये सूट अब स्लीव्स लगने के बाद ही ये सूट तैयार हो जाएगी। तो स्लीव्स की स्टिचिंग में